तो नमस्कार भाई लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। पर मैं हूं एनएम टाइगर मौर्य और दिखा रहा हूं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई वर्क अपडेट। और दोस्तों अभी मैं हूं मीठापुर चौक के जस्ट आगे, शिवपुरी पड़ती है शिवपुरी के पास। और मैंने आपको उस टाइम दिखाया था यहां पर कि ये जो डिवाइडर है हमारे, डिवाइडरों का काम स्टार्ट हो चुका है। और आज की डेट में दोस्तों दोनों साइड जो डिवाइडर हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इस साइड भी डिवाइडर बन चुका है और इस साइड भी डिवाइडर बन चुका है। मैं ले चल के दिखाता हूँ दोस्तों कि कितनी दूर तक जो डिवाइडर का काम है ये हो चुका है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि कितना काम हो चुका है आगे दोस्तों। तो ये स्टार्ट कर दिया हमने गाड़ी और चल रहे हैं हम आगे। देखते हैं कि कितनी दूर तक ये डिवाइडर बन चुका है और इसके लिए। और ऐसे ही दोस्तों आगे जो हमारा पिलर का काम है, पिलर का काम भी हम देख लेंगे कि पिलर का काम कितना हो चुका है। तो इसके लिए बने रहें दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक। चल रहे हैं हम पिलर के पास, भी पिलर भी दिखाएंगे आपको कि वो जो हमारा आगे जो फ्लाईवे होने वाला है, ये जो हमारा रोड है ये फ्लाईवे होने वाला है, वहाँ पर क्या काम हो चुका है। और यहाँ पर जो काम चल रहा है दोस्तों आप देख ही सकते हैं, डिवाइडर बन चुके हैं यहाँ तक। और इसके आगे भी दोस्तों लगातार डिवाइडर का बनाने का काम चालू है। तो उसके भी काम यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हाल में ही डाला गया है। और इस साइड भी अभी फ्रेम लगा दी गई है, इसके अंदर भी अभी जो मसाला है वो डालना बाकी है। और ऐसे इस साइड जो है दोस्तों, इस साइड पूरा पिलर ये डिवाइडर बन चुका है और काफ़ी आगे तक जा चुका है। और इस साइड जो है अभी काम काफ़ी बचा हुआ है, बीच बीच में कहीं कहीं हो चुका है दोस्तों काम, कहीं कहीं रुका हुआ है। अब वो किस चक्कर में रुका है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन दोस्तों बीच बीच में बन चुका है, आप देख ही सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। इस साइड भी दोस्तों ये अब दो साइड से डिवाइड हो रहा है, उस साइड जो है उस साइड भी आपका बन चुका है और इस साइड का जो डिवाइडर है वो भी बनाया जा रहा है, उसका भी काम लगातार चालू है। और लगभग दोस्तों जो हमारा सामने वाला जो हम पिलर था, पिलर का जो पिलर के ऊपर डेक लग रहे थे, डेक लग चुके हैं। और उसके ऊपर जो ग्रीडर लगने थे वो भी लगाना चालू हो चुका है, वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाई दिया था। और जो अब ग्रीडर के ऊपर दोस्तों देखते हैं कि एलिवेटेड काम शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा और आगे। और ये जो हमारा सरस्वती कॉलोनी वाला रोड है उसको हमें पार करना पड़ेगा, और पार करने के बाद ही दोस्तों हम देख पाएंगे कि जो साइड हमारा ग्रीडर के ऊपर अब जो एलिवेटेड जो पार्ट होना था वो काम उसका चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। पर ऐसे ही साथ में दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि हमारा जो मैंने बताया था आपको कि यहां से जो हमारा अप्रोच रोड है फ्लाईवे का, फ्लाईओवर जो बनेगा उसका अप्रोच रोड है, उसका भी काम यहां पर चालू हुआ था। तो उसके लिए भी दोस्तों इस ये दोनों साइड आप देख सकते हैं ब्रिक्स की एक दीवार तैयार की जा रही थी, ब्रिक्स का वॉल तैयार किया जा रहा था, तो वो अभी उतना ही रुका हुआ है दोस्तों, अभी ये भी काम चालू होगा आगे। और इसके अंदर जो है दोस्तों डस्ट की फीलिंग की जाएगी, तो वो काम अभी रुका हुआ है, आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो मेरे को जैसा अभी तक नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो ग्रीडर है, ग्रीडर तो लग चुके हैं दोस्तों, लेकिन ग्रीडर के ऊपर जो अभी एलिवेटेड काम है, एलिवेटेड काम चालू नहीं हुआ है। और आगे चल के देखते हैं दोस्तों क्या हाल है यहाँ का। तो अभी राइट वाले में तो दोस्तों लगता है कि काफ़ी दूर तक जो ग्रीडर है, ग्रीडर का काम हो चुका है। चलते हैं इसके लिए और आगे और देखते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहना दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने का किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि हमारी डाली हुई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती है। तो अभी यहाँ पर दोस्तों ग्रीडर ही लगाए जा रहे हैं, जो पिलर के ऊपर हमारा डेक लग चुका है और उसके ऊपर ग्रीडर का काम चालू है। और लेफ्ट में तो दोस्तों अभी हमारा डेक का ही काम चल रहा है, अभी डेक लगाए जा रहे हैं और डेक को जो उसकी ढलाई है, ढलाई होने के बाद उसके ऊपर जो है अभी कढ़ाई वगैरह का काम चालू है, जो मतलब पानी उसके ऊपर पानी का छिड़काव होता है वो काम चालू है। और आगे की साइड में आप देखेंगे कि आगे जो अभी ग्रीडर है, ग्रीडर लग चुका है और लेफ्ट वाले में आपको ये डेक का काम चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर अभी मजदूर लगे हुए हैं, डेक का काम कर रहे हैं। ऐसे ही भैया और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो और आगे आपको अभी पिलर जो हैं वो पूरे खाली नज़र आएंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पिलर है वो काफ़ी मतलब एकदम ही खाली है, काफ़ी क्या मतलब आगे के जो पिलर हैं सारे खाली हैं, अभी उनके ऊपर जो अभी डेक नहीं चढ़ाया गया है। हालांकि यहाँ पर जो ग्रीडर हैं, ग्रीडर काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, आप देख ही सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना दोस्तों, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो देखने वाली जनता है दोस्तों, मैं देखता हूँ अगर मैं अपनी वीडियो एनालाइज करता हूँ तो उसमें जो 50% होती है 50% सब्सक्राइब्ड होते हैं और 50% जो होते हैं अनसब्सक्राइब्ड व्यूवर्स होते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी डाली हुई वीडियो सबसे पहले मिल सके।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टाटा।